हेलो फ्रेंड्स, अरे यार आज मैंने क्या बड़ी गलती कर दी। एक रिव्यू बनाने के चक्कर में अपनी आंखों में तेजाब डाल दिया। आज मैंने देख डाली मूवी सड़क थू। मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ कि बैल को आके बोल रहा हूँ कि आ बैल मुझे मार, जिस डाली पे बैठा हूँ उसी को काट के गिर जाता हूँ। सड़क टू को देख के भी मुझे कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है इस फिल्म को देखकर। इस सड़क टू मूवी से 10 गुना नहीं 1000 गुना अच्छी है वो वाली सड़क जहाँ भैंस गोबर दिया करती है। महेश भट्ट की इस सड़क टू को देखने के बाद राम गोपाल वर्मा के लिए इज्जत पैदा हो गई। उनकी राम गोपाल वर्मा की आग फिल्म इससे 10 गुना अच्छी लगने लगी है। भाई लीजा रे और सोनाली बेंद्रा कैंसर जैसी बीमारी से बच गई, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये फिल्म ना देखे वरना भगवान ही उनका मालिक है। कैंसर जैसी दर्दनाक बीमारी से आप बच सकते हैं, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि कैंसर से भी बचा जा सकता है, पर नहीं, इस फिल्म को देखकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है हार्दिक चौहान और आप इस वेलकेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए आज हम खिसी पिटी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। आपने कहीं ऐसी फिल्म की स्टोरी सुनी है? एक लड़का एक लड़की को बचाने के लिए 10 लोगों से भिड़ जाता है, सुना हुआ लगता है ना? ऐसी कोई स्टोरी सुनी है जहाँ फेक गुरु के बारे में हो जिसका पर्दाफाश करता है हीरो? सुनिए, ऐसी स्टोरी तो नहीं ही सुनी होगी जहाँ माँ बाप चाचा मामा कजिन लोग मिलके एक छोटी बच्ची को पागल करार कर देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी जायदाद को हड़प सके। नहीं सुनी ना? ऐसी जो स्टोरी सुनी है जहाँ हीरो किसी की बातों में आके लड़की को पहले धोखा देता है और बाद में उसके अंदर प्यार जाग उठता है और फिर वो उन लोगों के अगेंस्ट हो जाता है। सुनी लगती है ना? ये सारी चीज, ये सारी मूवी को मिला दो, उसे खा लो और जब बाथरूम में जाके टट्टी करो और बाथरूम के सीट कवर को उठा के वो जो टट्टी आपको दिखे वो है सड़क टू। भैनचोद, इतनी घटिया फिल्म बनाई है इन लोगों ने। इस फिल्म से तो अच्छी वो टट्टी है। चलो डायलॉग की बात करते हैं। एक ऐसा डायलॉग बता दो जो आपको जिंदगी में याद भी रहे। एक ऐसा डायलॉग बना दो जिसके ऊपर मीम भी बन जाए। साला मीम बनाने के लायक भी एक डायलॉग नहीं है। अभी चलिए महेश भट्ट की डायरेक्शन की बात करते हैं। घंटा डायरेक्शन है। पायल रोहतगी कहती है कि ये नए लोगों को फोकट में काम देते हैं। मैं तो कहता हूँ नए लोगों को फोकट के तो मारो, जूनियर आर्टिस्ट को भी काम नहीं देते हैं। एक सीन है जहाँ इस बाबा को दिखाया गया है उनके भक्तों के साथ। भक्त कितने हैं? 4-5, ज्यादा से ज्यादा 10। जूनियर आर्टिस्ट का भी खर्चा नहीं किया है। आप आश्रम मूवी बॉबी देओल की देख लीजिए जो वेब सीरीज रिसेंटली आई है, इस शुक्रवार को MX प्लेयर पे है। उसमें आप बाबा को देखिए, उनके सेट्स, उनकी जो क्राउड है उससे लगता है कि ये कोई बड़ा बाबा है जिसे हजारों लोग फॉलो करते हैं। और इस साले ठरकी बाबा को देखो जो बाबा को और तांत्रिक ज्यादा लग रहा है और उसके भक्त के नाम पे 10 लोग को बिठा दिया है। अरे कम से कम जूनियर आर्टिस्ट का तो थोड़ा खर्चा कर लेते हैं। फिल्म में आलिया और संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर को ले रहे हो, कुछ तो इज्जत रखो। एक जूनियर आर्टिस्ट का भी खर्चा नहीं किया। आर्ट डिपार्टमेंट की बात करें, लोकेशन की बात, सनी देओल ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए इतनी घटिया फिल्म बनाई पर उसके कम से कम लोकेशन और लुक्स बढ़िया थे। जगह अच्छी तो दिखती है, इस फिल्म में तो वो भी नहीं दिखती है। एक्शन की बात करें तो एक्शन घंटा है। ऑन द होल मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया की या दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस घटिया मूवी को देख के अपना स्वास्थ्य खराब करे। मैंने किया ये रिव्यू बनाने के लिए, आप मत कीजिएगा प्लीज। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ आपसे, मैं इस फिल्म को दूंगा 0 स्टार। 0 के भी नीचे कोई स्टार आता है तो मैं इस फिल्म को दूंगा। इस जैसी और भी रिव्यूज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है हार्दिक चौहान और आप देख रहे हैं वेलकर एंटरटेनमेंट।